नमस्कार दोस्तों दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। बहुभुज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुभुज के बाद फिर मैं आपको लाइंस और एंगल्स पर न्यूमेरिकल बताऊँगा। पहले आप बहुभुज के बारे में जान लें कि बहुभुज है क्या। देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये आपका एक पेंटागन है, पंचभुज है। बहुभुज दो तरह के होते हैं। एक बहुभुज होता है जिसे कहते हैं सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के सभी जो है साइड्स इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण भी बराबर होते हैं। और दूसरा जो बहुभुज होता है इरेगुलर पॉलीगन। तो अभी हम बात कर रहे हैं सम बहुभुज के बारे में। ये सम बहुभुज है, इसे कहते हैं पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यानी सम सम बहुभुज। बहुभुज में तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो सकती हैं। बहुभुज एक बंद आकृति है, ठीक है, इसे इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। तो सम बहुभुज है। आप बात करते हैं सम बहुभुज का अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण का मतलब ये अंदर का जो कोण है, ये इंटीरियर एंगल, ये हो गया इसका अंतः कोण, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम बहुभुज के अंतः कोण। अब बात करते हैं कि सम बहुभुज का बाह्य कोण क्या है। बाह्य कोण का मतलब इनकी साइड्स को अगर हम बढ़ाते हैं, किसी भी एक साइड्स को हमने बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, एक कोण ये बना, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये बना, इसको हमने बढ़ा दिया तो एक ये बना, ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये बना, और इसको हमने बढ़ा दिया तो ये बना। यानी ये जो बाहर जो कोण बन रहे हैं, बाहर जो ये एंगल बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। तो किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो बहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश, ठीक है, ये फिक्स है। कैसा भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोण का योग जो होगा वो 360 अंश होगा। अब माना बहुभुज में n भुजाएं हैं, माना सम बहुभुज में n भुजाएं मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n है। तो आपको ज्ञात करना है जो है कि बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। तो बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ये बराबर होगा 360 अंश बटे n। 360 को n से भाग कर देंगे। यहां हम बहुभुज की बात कर रहे हैं, आपको समझना है कि सम बहुभुज की बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो अंतः कोण कितना होगा, हर अंतः कोण, अंतः कोण के लिए फार्मूला आपका है 180 डिग्री माइनस 360 अपान एन। इससे हमारा प्रत्येक अंतः कोण मालूम हो जाएगा। अब फिर यह आता है कि जितने भी अंतः कोण हैं सभी अंतः कोणों का योग कितना हुआ। तो सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। इस फार्मूले से आपको बहुभुज की सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। जैसे अब इसमें कितने विकर्ण हैं, एक जिसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है।
तो कितने विकर्ण हो गए, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या इसके लिए फार्मूला है एन स्क्वायर माइनस थ्री एन अपान टू, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन अपान टू, इससे आपको बहुभुज के विकर्णों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो ये बहुभुज के फार्मूले रहे। अब हम आपको चलते हैं बहुभुज के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है सम पंचभुज के प्रत्येक अंताकोण का मान कितना होगा। सम पंचभुज का मतलब है एन बराबर फाइव, तो प्रत्येक अंताकोण का मान आपको निकालना है। तो सम पंचभुज के प्रत्येक अंताकोण का मान, तो मैंने आपको फार्मूला दिया था कि प्रत्येक अंताकोण का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला है 180 माइनस 360 अपान एन, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 360 अपान 5, यानी 180 माइनस 72 यानी 108 अंश। तो सम पंचभुज के प्रत्येक अंताकोण का मान 108 अंश हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, किसी सम षटभुज के सभी अंताकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो सम षटभुज के सभी अंताकोणों का योग, यहाँ n बराबर 6 है, तो सम बहुभुज के सभी अंताकोणों का योग हमने फार्मूला दिया था थीटा बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90। अब रख लीजिए ये 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 90 यानी 720। तो सम षटभुज के प्रत्येक अंताकोण का जो योग हो गया, सभी अंताकोणों का योग हो गया 720 अंश। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है किसी सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 40 अंश है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो माना बहुभुज में एन भुजाएं हैं, तो मैंने आपको फार्मूला दिया था कि बहिष्कोण का मान थीटा बराबर 360 बटे एन, और एन का मान दिया है 40, तो 40 बराबर 360 बटे एन, तो एन बराबर 4 9 36 यानी कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 9 भुजाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, किसी सम बहुभुज के अंताकोण एवं बहिष्कोण का अंतर 60 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना भुजाओं की संख्या एन है, तो अंताकोण और बहिष्कोण का अंतर निकाल लीजिए। अंताकोण होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 अब एन, और माइनस बहिष्कोण है 360 बटे एन, और ये बराबर टोटल कितना है 60 डिग्री दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 180 एन माइनस 360 अपान एन माइनस 360 अपान एन इक्वल टू 60। एन एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 180 एन माइनस 720 इज इक्वल टू 60, यानी 180 एन माइनस 720 इज इक्वल टू हुआ 60 एन। तो इधर लाइए, इसको इधर ट्रांसपोज करिए, 180 में 60 गया, 120 एन बराबर 720, तो एन बराबर 12 6 72, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या हो गई 6, ठीक है, यानी वो सम षटभुज होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, किसी बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है विकर्ण वाला फार्मूला लगाना है, और इसमें दे रखा है कि विकर्ण कुल कितने हैं, 27 विकर्ण है। तो हमने फार्मूला आपको दिया था कि एन स्क्वायर माइनस थ्री एन अपान टू बराबर ये दिया हुआ है 27, तो 27 9 54 हो गया, यानी ये हो गया एन स्क्वायर माइनस थ्री एन बराबर 54, और एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 54 बराबर 0। और जब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो एन का मान निकल आएगा। ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 54 आए और घटाने पर 3 आए, तो 9 6 54 और 9 में से 6 गया 3, यानी अब आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो एक्स एन बराबर हो जाएगा आपका 9।
ठीक है, 9 6 54 और 9 में से 6 गया 3। रेखा और कोण से संबंधित प्रश्न, प्रश्न नंबर एक है, 72 डिग्री 40 मिनट का कोटिमा कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है कोटिपूरक कहलाते हैं। अगर एक कोण दिया है तो दूसरा निकालना है, तो हमें करना होगा 90 डिग्री 00 मिनट और 72 डिग्री 40 मिनट, इसमें से घटा लीजिए। यहां से उधार लाएंगे तो ये 60 मिनट बनेगा, 60 में 40 गया बचा 20 मिनट, और यहां 9 में से 2 गया 7, और यहां 8 में 7 गया, यानी 17 डिग्री 20 मिनट इसका आंसर आएगा। इसका कोटि पूरक होगा 17 अंश 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कोण अपने संपूरक का 1/5 है तो कोण की माप ज्ञात करिए। अपने संपूरक का, दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो माना एक कोण x है और दूसरा 1/5x है, दोनों का योग होगा 180, तो 5 एकम 5 और 1 6, 6x/5 बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 गुणे 5/6, यानी कि 6 3 18, 3 5 15, 150 अंश। इसका आंसर होगा 150 अंश, यानी एक कोण 150 का आएगा और दूसरा जो है 30 का आएगा, ठीक है, दोनों का मिलाकर 180 होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कोण स्वयं का कोटिपूरक है, स्वयं का कोटिपूरक, दो कोटिपूरक कोणों का मान आपको पता है कि दो कोटिपूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 अंश होता है, तो एक स्वयं का कोटिपूरक है यानी एक माना x है, तो x प्लस एक्स बराबर 90, ठीक है, स्वयं का कोटिपूरक है, एक x है तो दूसरा भी x होगा, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 45, यानी 45 अंश का जो कोण है वो स्वयं का कोटिपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कोण अपने कोटिपूरक से 24 अंश ज्यादा है तो कोणों की माप ज्ञात करिए। तो माना एक कोण x है और दूसरा है x धन 24 बराबर, कोटिपूरक है तो 90 के हो जाएंगे, तो 2x बराबर 90 में से 24 घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 2 गया 6 66, तो x बराबर हो जाएगा 33 अंश, यानी एक कोण 33 का है और दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 33 कर दीजिए तो दूसरा मालूम हो जाएगा, ये 7 हो गया और यहाँ 8 में से 3 गया 57, दूसरा हो गया 57, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर जो है 24 का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 है, दो संपूरक कोण 3 और 2 के अनुपात में है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 और 2 के अनुपात में है तो माना एक कोण 3x है और दूसरा कोण 2x है, और दोनों चूंकि संपूरक है तो योग हो जाएगा इनका 180, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180, यानी x बराबर हो जाएगा, भाग दे लीजिए 5 3 15, 5 6 36, तो छोटा कोण 2x है तो 2x बराबर 36 गुना हो जाएगा 72 अंश, यानी छोटा कोण कितना हो गया 72 अंश का हो गया। देखिए 6 में देखिए एक फिगर दिया हुआ है और ये है आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, और यहां पर जो है एक कोण बना हुआ है, ये है सी, और इधर दिया है 60 एओसी का मान, एओसी दिया हुआ है 68 डिग्री और एंगल बीओसी दिया हुआ है एक्स, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं कोण एओबी एक रैखिक कोण है, एक रेखा बना रहा है, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 68 बराबर 180, तो एक्स बराबर 180 माइनस 68, आप इसको घटा लीजिए, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 17, 7 में 6 गया 1 1, यानी x का मान हो गया 112 अंश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक फिगर बना हुआ है और एक कोण है, ये है C, एंगल AOC 3x प्लस 20 है और एंगल BOC 4x माइनस 36 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों कोण रैखिक हैं, जोड़ देंगे 180 हो जाएगा,
तो 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 7x और 36 में से 20 घटाइए तो 16 हो जाएगा माइनस 16, तो 180 और प्लस 16 इधर आ जाएगा, 7x बराबर हो गया 196, तो x बराबर आ जाएगा 28, यानी x का मान 28 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 में एक फिगर बना हुआ है, दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, यानी ए बी और ये सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी एंड डी, और यहां पर ऐसा बना हुआ है, ये पॉइंट है ई, यहां एक्स दिया हुआ है और ये दिया है 35 और ये दिया हुआ है 65। तो आपको निकालना है एक्स का मान निकालना है, एंगल सी डी ई 65, ए बी ई 35 और ये एंगल आपका बी ई डी एक्स है, एक्स का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक समांतर रेखा खींच लीजिए, ये हमने एक समांतर रेखा खींच लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा कोण M है और ये N है, ये समांतर रेखा किसके है, ए बी समांतर ये समांतर ये, तीनों समांतर रेखा माना, इसका नाम L है, एक समांतर रेखा खींच लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये एक समांतर रेखा ए बी समांतर एल है और ये तिर्यक रेखा काट रही है यहां पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, एम इक्वल टू 35 आ जाएगा, तो एम इक्वल टू 35 हो गया। और ठीक इसी तरह से ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा ये काट रही है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, यानी एन बराबर हो जाएगा 65 अंश। ये कोण क्यों बराबर है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर होता है। अब एक्स बराबर हो गया, एम प्लस एन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 प्लस 65 और ये आ जाएगा 100 अंश, 100 डिग्री, 5 5 10 6 3 9 1 10, यानी x का मान 100 आ गया। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 में भी ऐसा ही एक फिगर है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ये है ए बी और ये है सी डी और ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं और ये पॉइंट ई पर मिल रहे हैं, ये कोण दिया हुआ है एक्स और ये है 110, ये है 120, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां भी वही करना है जो है कि आपको पॉइंट ई से होते हुए ए बी के समांतर रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लिया एल जो कि समांतर है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के जो क्रमागत कोण है उनका योग जो है 180 होता है, तो माना ये M है और ये N है, तो M प्लस 110, M प्लस 110 बराबर 180, तो M बराबर हो गया 70 अंश। इसी तरह से नीचे वाला N है और ये 120 है, ये भी क्रमागत अंतः कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो n प्लस 120 बराबर 180, तो n बराबर हो गया 60 अंश। अब x निकालिए, तो x बराबर है m प्लस n को जोड़ दीजिए, 70 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 130 अंश, यानी x का मान निकल आया 130 अंश। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए एक फिगर बना हुआ है, एक समांतर रेखा ये आपकी ए बी है, ए बी और ये रेखा आपकी सी डी है, और ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये यहां पर नीचे पॉइंट ई है, ये है आपका एक्स और ये दिया हुआ है 120, ये दिया हुआ है 100, हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए यहां से एक समांतर रेखा खींच लीजिए, ए बी समांतर सी डी, ये समांतर रेखा है जो ए बी और सी डी दोनों के समांतर है,
इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सी डी माना ये एल है, तो सी डी और ये समांतर रेखा है, यानी ये और ये दोनों क्रमागत अंताकोण हुए, तो इन दोनों का मान हो गया 180। तो मान लिया ये एम है और ये एन है, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो एम प्लस 100 बराबर 180, तो एम बराबर आ जाएगा 80 अंश। इसी तरह यहाँ एन प्लस 120 बराबर 180, तो एन बराबर आ गया 60 अंश। अब इन तीनों का मान 180 हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस एम और एन को जोड़ दीजिए, 80 और 60 140 घटा दीजिए, तो बराबर हो गया 40 अंश, यानी एक्स का मान आ गया 40 अंश। तो मित्रों ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वृत्त और वृत्त से संबंधित प्रश्न कराऊंगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट। ओके, नमस्कार।